हेलो दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। यहाँ हर किस्म के लोग और जीव जंतु मिलते हैं। इनमें कुछ हमारे लिए आम होते हैं तो कुछ खास। जीव जंतु की बात की जाए तो हमारे आपके लिए शेर, हाथी, हिरण, गाय, घोड़ा आदि को देखना ही सब कुछ हो जाता है। यूं तो प्रकृति को विचित्रता का पर्याय कहना शायद गलत नहीं होगा, परंतु यहाँ कुछ चीजें ऐसी है जो कई बार हमें दंग कर देती है। इस धरती पर बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो शारीरिक बनावट और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनकी अजीबोगरीब आकृति देखकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने फुर्सत के पलों में कई जीवों में जान फूंकी है। जरा थोड़ी सी जानकारी जुटाकर देखिए, दुनिया की हजारों ऐसी प्रजाति है जिन प्रजातियों का जिक्र किताबों में मिलना भी मुश्किल है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि रोजाना कितने अजीबोगरीब जानवर धरती पर जन्म लेते हैं? तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही विचित्र प्रजातियों के जीवों के बारे में जिनके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जानवर यानी पशु कौन है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है कि जानवर वो जीव है जो जैविक चीजें खाता है, जिसके संवेदनशील अंग होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है और किसी बाहरी असर को वो महसूस कर सकता है। इस परिभाषा के हिसाब से स्तनधारी, गैर स्तनधारी, रीढ़ वाले और बिना रीढ़ वाले वो जानवर जो अंडे देते हैं, और वो जानवर भी जो सीधे बच्चे देते हैं। दुनिया में रोज कितने जानवर पैदा होते हैं, इस सवाल की अहमियत हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। खरगोश दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जानवर के तौर पर मशहूर है। सिर्फ ब्रिटेन में पाए जाने वाले जंगली खरगोशों की बात करें तो रोजाना उनके 19,17,808 बच्चे होते होंगे, और अगर ये सारे बच्चे जिंदा बच जाएं तो सोचिए क्या होगा। अच्छी बात हो या बुरी बात, मगर खरगोशों के इन बच्चों में से ज्यादातर वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। खरगोश तो कमोबेश हर देश में पाए जाते हैं। हम हम्बोल्ट पेंगुइन की बात करें जो सिर्फ चिली और पेरू में पाए जाते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन एक बार में 2 अंडे देते हैं। एक जोड़ा पेंगुइन साल में कई बार जोड़े अंडे देते हैं। हालांकि इन सारे अंडों से बच्चे पैदा नहीं होते। अब तक किए गए तजुर्बे कहते हैं कि हर साल 14,400 हम्बोल्ट पेंगुइन पैदा होते हैं, यानी रोजाना केवल 40 हम्बोल्ट पेंगुइन इस दुनिया में आते हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर हम्बोल्ट पेंगुइन जानवरों की एक ऐसी नस्ल है जिस पर खात्मे का खतरा मंडरा रहा है। तो जब हम इन आंकड़ों की तुलना ऐसे जानवरों से करते हैं जिन पर खात्मे का साया नहीं मंडरा रहा, तो आंकड़े एकदम अलग हो जाते हैं। जैसे कि मुर्गी, विश्व खाद्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 6.5 करोड़ मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं। ये तादाद बहुत ज्यादा है। मधुमक्खियों की बात करें तो गर्म महीने में रानी मधुमक्खी रोजाना 1500 अंडे देती है। जनवरी 2018 में ब्रिटेन की नेशनल बी यूनिट ने गिनती की तो पता चला कि ब्रिटेन में 2,47,461 छत्ते हैं, यानी गर्मियों में रोजाना सिर्फ ब्रिटेन में 37,11,19,500 मधुमक्खियां पैदा होती है। हालांकि जानवरों से जुड़े ये आंकड़े पक्के नहीं हैं। लंदन जू इंस्टीट्यूट मोनिका बोहिया कहती है कि हर जानवर की रोजाना की पैदाइश का हिसाब लगाना नामुमकिन है। वजह साफ है, हमें अभी भी ज्यादातर जीवों की प्रजनन क्षमता के बारे में पता ही नहीं। लेकिन क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक्सेल रॉसबर्ग कहते हैं कि उनके पास इस सवाल का जवाब हो सकता है। प्रोफेसर रॉसबर्ग कहते हैं कि जो जानवर किसी जानवर का हजारवा हिस्सा होता है उससे हजार गुना ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए जब तक हम धरती पर पाए जाने वाले हर जानवर के बारे में जान नहीं लेते, तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि दुनिया में रोजाना कितने अजीबोगरीब जानवर पैदा होते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानवरों के बारे में जानते हैं जो साल में एक बार पैदा होते हैं। नंबर 1, टू लेग्ड वॉकिंग डॉग। ये डॉग 2002 से 2014 तक जिंदा रहा था और इसके 3 पैर थे, 2 पूरी तरह से विकसित और 1 विकृत था, और इस डॉग का नाम फेथ था। इसकी माँ ने भी इससे मुंह फेर लिया था और इसका गला घोटने की कोशिश की थी, पर फेथ को जिसने अडॉप्ट किया उसने कहा कि ये चलेगा और बहुत आगे जाएगा। फेथ को ट्रेनिंग दी गई और 2 पैरों पर चलना सिखा दिया। 2006 में वाशिंगटन डीसी ने फेथ को अपने साथ नॉन कमीशन ब्रांच में ले गए। उसने 2,000,000 सैनिकों से मुलाकात की और ये डॉग सोशल मीडिया, अखबारों में आ गया और फेमस हो गया। नंबर 2,
जेमिना। जेमिना एक जिराफ का नाम है जो कि 12 फुट का है। इसका जन्म 16 जुलाई 1986 वर्ल्ड एनिमल पार्क में हुआ। इस जिराफ की गर्दन टेढ़ी है और ये टेढ़ी गर्दन कैसे हुई आज तक इसका डॉक्टर आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं लगा पाए। इसने 1988 में एक बच्चे को जन्म दिया पर 2 साल की उम्र में इसका बच्चा कुपोषण के कारण मारा गया। जेमिना से मिलने दूर दूर से लोग आया करते थे। इसे देखकर बच्चे भी बहुत खुश हो जाते थे। ये सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। दिसंबर 2007 में जेमिना ने खाना बंद कर दिया था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। 2008 में उसके रखवालों ने उसे मृत्यु दे दी क्योंकि जमीन पर अपनी गर्दन की वजह से वो परेशान था और खाना खाने में उसे बहुत परेशानी हुआ करती थी। नंबर 3, लायर बर्ड। आपने मिमिक्री करने वाले और अलग अलग आवाज निकालने वाले कलाकार तो खूब देखे होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बता दे कि लायर बर्ड नामक पक्षी एक बार किसी की आवाज सुन ले तो हूबहू वैसी ही आवाज निकाल सकती है। इस पक्षी के बारे में गजब बात यह है, ये मशीनों से लेकर इंसानों तक की आवाज एक बार सुन लेने पर निकाल सकती है। नंबर 4, स्नेक्स विद लेग्स। क्या आपने 4 पैरों वाले सांप के बारे में सुना है? 4 छोड़िए, क्या आपने इससे पहले कभी 2 पैरों वाले सांप के बारे में सुना है? नहीं ना। पर डेली मेल के मुताबिक हाल ही में वैज्ञानिकों को ब्राजील से 110 साल पुराने सांप का जीवाश्म मिला है जिसके 4 पैर भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के डॉक्टर डेव मार्टिल को ये जीवाश्म एक जर्मन म्यूजियम में रखा मिला। उन्होंने बताया कि सांप छिपकलियों से आए हैं। बिल में रहने वाली छिपकलियां और समुद्र में पाए जाने वाली छिपकलियां इसमें दोनों ही शामिल हैं। इस सांप के जीवाश्म का नाम टेट्राफोडोफिस है और ये केवल 20 सेंटीमीटर का है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनको इस बात का पक्का पता नहीं था कि सांप अपने पैरों से क्या करते रहे होंगे, फिर भी वो इसका इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए करते रहे होंगे। नंबर 5, 2 मुंह वाला सुअर। डेली मेल के अनुसार पूर्वी चीन के जियो जियांग प्रांत में पैदा हुआ ये सुअर अपने विचित्र शारीरिक बनावट के चलते चर्चा में है। लोगों ने इसे शुक्रवार सुबह देखा जब इसके जन्म को कुछ घंटे हो चुके थे। सुअर के मालिक का कहना है कि सुअर का बाकी शरीर तो सामान्य है लेकिन इसका चेहरा काफी विचित्र है। इसके चेहरे पर 1 आंख, 2 कान और 2 थुथुन है। मालिक का ये भी कहना है कि शारीरिक बनावट में विचित्रता की तरह सुअर के लंबे समय तक जीवित न रह पाने की आशंका भी है। ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टरों का कहना है कि दरअसल माँ के पेट में जुड़वा बच्चों के बनने की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ समय बाद ही किसी वजह से रुक गई और इस दौरान इस शावक में ऐसी बनावट देखने को मिल रही है। ऐसा इंसान और जानवरों में होता है जब गर्भाशय में एक ही अंडे से जुड़वा बच्चों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया पूरी हो गई तो 2 बच्चे बनते हैं, अगर अधूरी रही तो बच्चे में शारीरिक विकृति आ जाती है। नंबर 6, बेयर हार्टेड ग्लास फ्रॉग। इस मेंढक को जो कोई भी देखता है वो भौचक्का हो जाता है। इस मेंढक का पेट मानो जैसे कि कोई कांच हो जिसके अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इनके ऊपरी शरीर का रंग हरा होता है जिस कारण शिकारी आसानी से इनका शिकार नहीं कर पाते। नंबर 7, आय आय। अजीब सा दिखने वाला आय आय बहुत ही तेज दिमाग वाला जानवर होता है। वैसे तो ये फल और जंगल में मिलने वाली बाकी शाकाहारी चीजें भी खा लेता है पर आमतौर पर इन्हें कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा जाता है। आय आय की खासियत है कि इसके हाथ की उंगलियां बहुत ही लंबी होती है। ये लंबी ही नहीं बल्कि बहुत उपयोगी भी होती है। सूखे पेड़ों से कीड़ों को बाहर निकालने के लिए आय आय पेड़ों पर उंगली से मारता है और अपने बड़े बड़े कानों से टकटकी लगाकर आवाज को सुनता है। ऐसे में जैसे ही कीड़े थोड़ा सा भी बाहर दिखाई देते हैं ये अपनी बड़ी उंगलियों से उसे बाहर खींच लेता है। नंबर 8, टफ्टेड डियर। टफ्टेड डियर हिरण की ही एक प्रजाति है पर ये थोड़ी सी अलग होती है। इनके मुंह से निकलते 2 लंबे लंबे दांत ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई वैम्पायर हो। ये पूरी तरह से शाकाहारी मानी जाती है। ये अक्सर जोड़ों में देखे जाते हैं और अपने इलाके के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी और नर के आने में ये लड़ाई में उतर जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी पृथ्वी पर कैसे अजीबो गरीब जानवर हैं। अगर आपको भी ऐसे किसी अजीब जानवर के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए।